हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल विशाल गुप्ता आपका टीचर कैसे हो आप सब तो स्टूडेंट्स अब हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का सैम्पल पेपर जिसके अब हम फोर मार्क्स वाले क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी एंड क्वेश्चन नंबर थर्टी वन तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड है ये पार्ट आपको पता है द रिफॉर्म प्रोसेस इंप्लीमेंटेड इन द लेट नाइन्टी सेवेंटीज़ commonly known as china's open door policy encompassed a wide range of reforms across sectors like agriculture investment and industry etc these reforms played a pivotal role in driving the rapid growth of the chinese economy over subsequent decades in the light of the given text discuss any two reforms responsible for the rapid economic growth of the china तो ये चार मार्क्स में आपको ये आंसर देना है इसका सुजेस्टेड आंसर क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं द फास्ट पेस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ इन चाइना कैन बी ट्रैक्ड बैक टू द फॉलोइंग रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन 1978। इन द इनिशियल फेज तब क्या हुआ रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन एग्रीकल्चर फॉरन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स फॉर इंस्टेंस इन एग्रीकल्चर कम्यून लैंड वर Divided into small parts, which were allocated to the individual households. They were allowed to keep all income from land after paying stipulated taxes. And in the subsequent phase, the reforms were initiated in the industrial sector. <coughs> Private sector firms in journal and township and village enterprises in particular were allowed to produce goods. At this stage, स्टेट ओंड एंटरप्राइजेस वर मेड टू फेस कंपिटिशन ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी वन की तरफ बच्चों ये और है दो ऑप्शन है इन दोनों में से कोई एक आपको करना है बट मैं इनके दोनों के सुजेस्टेड आंसर आपको जरूर बताऊंगा पहले आप हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी वन के ए पार्ट की अंडर द डेली डेक्लरेशन द जी ट्वेंटी नेशंस प्लेज टू रीच ग्लोबल नेट जीरो एमिशंस अप्रॉक्सीमेटली बाई मिड सेंचुरी एंड टू ट्रिपल ग्लोबल रिन्यूबल एनर्जी कैपेसिटी बाई टू जीरो थ्री जीरो डिस्कस ब्रीफली द रैशनल बिहाइंड द कमिटमेंट बाई जी ट्वेंटी नेशंस इन द डायरेक्शन ऑफ अचीविंग सस्टेनेबल डेवेलपमेंट तो थर्टी वन का ए का क्या आंसर आएगा अंडर द डेली डिक्लेशन जी ट्वेंटी The member countries have agreed to elevate, elevate efforts to limit global warming. To achieve this, these nations have decided to reduce greenhouse gas emissions. It has been advised, agreed to devise an effective approach to transitioning from conventional source of energy to non-conventional source of energy. Wind energy and solar energy. सर्व एज गुड इलस्ट्रेशन ऑफ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो बच्चों इसका अब जो थर्टी वन का बी ऑप्शन है उस क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं यह आप दोनों की आपकी च्वाइस होगी कि दोनों में से कौन सा अटेम्प्ट करना है आपने क्लियर है स्टूडेंट्स इट वुड बी अनकलियर टू से दैट द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन कैपिटल लेज द ग्राउंड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ नेशन डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट सुपोर्ट यूर आंसर विद illustrations. चलिए हम बात करते हैं इसके आंसर की थर्टी फर्स्ट का जो बी ऑप्शन है वो ये है इसका एंड इंक्रीज इन human कैपिटल कॉजेज इकोनॉमिक ग्रोथ इज अनक्लियर owing to the problem pertaining to the estimation of quantifiable relation between the two so educational yardsticks like years of schooling teacher pupil ratio enrollment rates etc may not reflect education educational quality accurately whereas human capital measures may show convergence between developing and developed nations however there is ज नो इंपेरिकल एविडेंस टू प्रोवाइड इनकम पर कैपिटल कन्वर्जेंस हजुकेशन में इंप्रूव बट कैनोट गंटी सिमिलर प्रोग्रेस इन रियल इनकम अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज ठीक है स्टूडेंट्स तो चलिए अब यह क्वेश्चन समझ ला गया कि इट वुड अनक्लियर दैट द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन कैपिटल लेज द ग्राउंड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ और क्या आप स्टेटमेंट से सहमत हो तो उसके सुपोर्ट में आपने वैलिडेशन देनी है तो एजुकेशन वो कहता है कि एक ऐसा यार्डस्टिक है जो स्कूल स्कूलिंग टीचर स्कूल टीचर पीपल रेशो इनरोलमेंट रेट्स में नॉट इफेक्ट एजुकेशनल क्वालिटी एक्यूरेटली वेयर एज ह्यूमन कैपिटल मेजर्स में शो कन्वर्जन कन्वर्जेंस बिटवीन डेवलपिंग एंड डवेल्प नेशन हाउवर देर इज नो एम्पेरिकल एविडेंस टू प्रूव पर कैपिटा कन्वर्जेंस इसलिए हम कह सकते हैं कि एजुकेशन में इम्प्रूव बट कैन नॉट गारंटी सिमिलर प्रोग्रेस इन रियल इनकम अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज ठीक है बच्चों तो ये थे हमारे क्वेश्चन के आंसर्स चार मार्क्स वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिक्स मार्क्स वाले क्वेश्चन कराऊंगा ठीक है बच्चों विशन यू गुड लक